नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए आज हम लोग देखते हैं रिचर्ड हर्सल को संक्षेप में। जैसा कि देख रहे हैं, इनका जीवन काल 1899 से लेकर 1992 तक था। इनका जन्म दोस्तों 12 दिसंबर 1899 को हुआ था। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मिसटाइपिंग में, इसके लिए सॉरी। इनका जो जन्म हुआ है 12 दिसंबर 1899 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको 1899 होगा। आगे देखते हैं स्क्रॉल करके। ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और मिनिसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में योगदान दिए। अमेरिका के 20वीं सदी के महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं में से एक है। भूगोल को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी तक के परिवर्तनशील तथ्यों के परिशुद्ध व युक्तियुक्त वर्णन व व्याख्या करने वाला विज्ञान है। यह तर्क काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में आते रहते हैं। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र का वर्णन करने वाला विज्ञान माना, अर्थात क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान कहा। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान कहा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की नींव रखी। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की नींव इन्होंने रखी थी, अर्थात अगर हमें एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्षेत्रीय विभेदीकरण किससे संबंधित है, तो वहाँ पे हमें रिचर्ड हर्सल को टिक करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभेदों का अधीन बताया। बात वही दोस्तों, इन्होंने भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग अध्ययन करने वाला, अलग अलग नियमों से लागू करने वाला ऐसा विचार इन्होंने बताया था, जिसे शेफर ने काफ़ी विरोध किया था। और उन्होंने प्रत्ययवाद और मॉडलों का सहारा देते हुए इनका पुरजोर विरोध करने का कोशिश किए थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन्हें एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता, मिस्टेक यहाँ पे हुआ दोस्तों, मिस्टेक में ध्यान दीजिएगा, इन्हें एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। अब आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, उनमें से महत्वपूर्ण है पहला भूगोल की प्रकृति और दूसरा द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों ये इसे कहीं कहीं सिर्फ नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी पूछ दिया जाता है। और तीसरा द एकेडमिक सिटीजन। और चौथा है पोलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी किताबें हैं। अब थोड़ा और आगे देखते हैं दोस्तों, क्षेत्र विभेदीकरण, जिस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया था कि विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग नियम, अलग अलग तरह से अध्ययन करना चाहिए, अलग अलग रूल हर क्षेत्रों के हो सकते हैं, जिस पर इन्होंने जोर दिया था। उस पर इन्होंने, इनका मत था कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अतः सभी प्रत्येक क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। पर इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था, जैसा कि हमने अभी बार बार इसे रिजेक्ट करा दोस्तों। क्षेत्र विभेदीकरण की नींव किसने रखा था, तो ध्यान रहे रिचर्ड हर्सल, नहीं भूलिएगा। इन्होंने भूगोल को अनूठा एवं विशिष्ट वर्णनीय विषय कहा। दोस्तों याद रखें, इन्हीं के विरोध में शेफर ने कहा था कि भूगोल अनूठा और विशिष्ट वर्णनीय विषय नहीं है, बल्कि भूगोल भी अन्य विज्ञान के अन्य विषयों के जैसा सेम विषय है, और वहाँ भी समान नियमों और विधियों का पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए, और खास करके मॉडलों और प्रत्ययवाद के अनुसार मॉडलों का सहारा लेकर के विकास करना चाहिए धीरे धीरे विषय को। इस पर शेफर ने काफ़ी जोर दिए थे और इनका विरोध किया था इन्हीं वर्ड को, कि भूगोल एक अनूठा और विशिष्ट वर्णनीय विषय, जिस पर इन्होंने काफ़ी बहस हुआ था दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट टाइम, इनके अनुसार प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग नियम लागू होंगे, कोई एक नियम दूसरे क्षेत्र पर लागू नहीं किए जा सकते। दोस्तों यही मेन
सेफर और हाटसन में जो वाद प्रतिवाद हुआ था उनका मेन जड़ अगर देखा जाए तो यह पॉइंट है दोस्तों, यहीं से दोनों में विवाद हुआ था। इनका कहना था कि प्रत्येक क्षेत्र के पर अलग अलग नियम लागू होंगे, जबकि दूसरे क्षेत्र पर एक नियम क्षेत्र पर वह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन सेफर का कहना था कि ऐसा नहीं है, भूगोल भी अन्य विज्ञानों के जैसा एक विज्ञान है, सब्जेक्ट है, और इस पर भी अध्ययन करने का तरीका सेम होना चाहिए। जो वास्तविक हो, जो रियल हो, उसको हर क्षेत्र पर लागू किया जाना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा दोस्तों, मैं अपना दोस्तों आप हमें और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है नेट GRF UPSC ज्योग्राफी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो का PDF सॉफ्ट कॉपी के रूप में फ्री में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाते जाते हमारे चैनल सिटी ऑफ ज्योग्राफी मनोज कुमार को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।